Alright, hey guys, it's Chinmay from Three Stocks and this is Ankita ji. Look who we have in the office already. आज का दिन जो है, it's gonna be very special for us because हम लोगों ने हमारा जो ब्लॉगिंग है उसको फिर से स्टार्ट करने का सोचा है. इस बीच बहुत सारी चीजें हुई. सबसे पहली चीज तो ये हुई कि हमारे ऑफिस में there was a little fire that caught हमारी बिल्डिंग, not in our office particular, हमारी बिल्डिंग में, बिकॉज ऑफ विच यू नो पूरे बिल्डिंग ही नगर पालिका ने बंद कर दी थी. यू कैन नॉट ऑपरेट इन दिस ऑफिस, इन दिस प्रीमाइसेस एनीमोर. दैट बीइंग रीजन हमको बेसिकली वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा टेम्प्रेरी, और फिर दूसरी जगह पे हम लोग आए हैं अभी. एंड वहाँ से ऑल द वे फ्रॉम देयर इट्स ऑलरेडी बिन लाइक 20 डेज ऑलरेडी. एंड अभी तक क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं हुई, नए ऑफिसेज देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे ब्लॉग्स में पता चलती रहेंगी. लेकिन चलो ठीक है, सबसे पहले तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ एंड सीधे अंडरस्टैंड करते हैं आज की पोजीशन हमारे. Alright, so this is bang off to you on a 5 minutes time frame. कल जो मार्केट ने क्लोजिंग दे दी ऊपर जाकर, तो दैट इज एग्जैक्टली वेयर ये देखो, ये बहुत अच्छा सपोर्ट हमारे लिए बन गया था. Alright, उसके बाद आज जब मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट तो नहीं खुला, थोड़ा बहुत नीचे खुल गया, और फिर वहाँ से इस पर्टिकुलर सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया और एक अच्छा सा हैमर इसने यहाँ पर बना दिया था. इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर हैमर ओवर हियर. Alright, तो उसी के जस्ट हाई पे हमने एक ट्रेड प्लान किया, विच इज वी बॉट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विच इज 47,200 का स्ट्राइक है ना. इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, इसका मैं चार्ट खोल कर आपको इसमें एंट्री बताता हूँ. ये देखो, ये इस प्रीमियम ने कल का लो तोड़ दिया. ऑफकोर्स ऑप्शन ज़्यादा ही लो बना देते हैं, ठीक है, कल का लो तोड़ दिया. उसके बाद ये जो हैमर सॉर्ट ऑफ बना था है ना, यहाँ पर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, इसके हाई पे इज वेयर आई प्लान माई एंट्री. यहाँ से हमने बाय किया था 47,200, बॉट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम 460, 416 से हमने इसको बाय किया था. अभी ऑलरेडी हमारे फेवर में 100 पॉइंट से ज़्यादा आ चुका है, ठीक है, 416 से बाय किया था. एंड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट, इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, बार बार इसमें रिफ्रेश करना पड़ रहा है. इस कैंडल का जो हाई था यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 570-580 के आसपास का इसने हाई लगा दिया था. अरे तो फिर हमारा सबसे पहला कर्तव्य ही ये बनता है कि हम सीधे जाके हमारा जो ऑर्डर स्टॉप लॉस जो पहले ऑलमोस्ट 370 पे था, 416 पे एंट्री थी, 410 पे ओरिजिनल एंट्री होनी थी हमारी, तो हमने फिर स्टॉप लॉस लगाया 370 पे. 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इज व्हाट वी प्रेफर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. ऑलराइट, और फिर उसी को मॉडिफाई कर दिया सीधे 410 पे, क्योंकि देखो सीटीसी मेरा सिस्टम के हिसाब से लगेगा, सिस्टम में एंट्री 410 पे थी है ना, तो आई कैन नॉट प्लेस सीटीसी ऑर्डर एट 416, मेरे को 410 पे ही सीटीसी प्लेस करना पड़ेगा. दैट बीइंग रीजन हमने 416 पे, इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, 510 क्वांटिटी सेल करने के लिए 410 पे ही लगा दी है, नॉट ऑन 416. सो एज ऑफ राइट नाउ वी आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड. ऑलराइट, जो भी अपडेट्स होता है मैं आपको करता हूँ. ऑलराइट एवरीबॉडी, इट इज जस्ट 11 PM राइट नाउ, और एक बड़ी सी कैंडल अभी जस्ट बनी थी. एंड मीनवाइल मैं कैमरा खोल के चालू करूँ हमारा ब्लॉग, इतने में वो वापस नीचे भी आ गया है. जस्ट हैव अ लुक एट दैट कैंडल नाउ. Alright, so this is the candle that I'm talking about. Just have a look at that. एकदम से उसने अपना डेज हाई के आसपास ऑलमोस्ट चली गई और फिर वहाँ से सीधे लिटरली रिजेक्शन ले लिया है. अ मोमेंट बिफोर दिस वॉज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 95 के आसपास, मतलब 95 का प्रॉफिट चल रहा था. आपको मैं प्रीमियम में जो स्पाइक लगा है वो भी एक बार बता देता हूँ. जस्ट हैव अ लुक एट दैट प्रीमियम, कितना ज़्यादा फट गया था. ऑल द वे फ्रॉम 520 पे अभी चल रहा है, ठीक है. ये कैंडल दिख रही है बहुत बड़ी सी है ना, तो 520 से सीधे इसने 620 का हाई लगाया था. इतना ज़्यादा फट गया था हमारा प्रीमियम जस्ट अभी. बट देन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, इतनी बड़ी कैंडल वापस बन गई. छोटा सा रिजेक्शन, मतलब छोटा नहीं, बड़ा सा रिजेक्शन आ गया फिर से. एंड ऑल द वे फ्रॉम देयर वापस 524 पे हमारा प्रीमियम इज ट्रेडिंग नाउ. तो वही है सर, एंड ऑफ द डे इतने बड़े बड़े स्पाइक्स भी देखने पड़ते हैं, और यहीं पे काफ़ी लोगों का जो दिल है वो घबरा उठता है कि एट अ मोमेंट इन टाइम वहाँ पर लाख रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, द वेरी नेक्स्ट सेकेंड यू हैव अ प्रॉफिट रनिंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट, आधा हो जाता है प्रॉफिट, राइट. सो दैट इज ट्रेडिंग फॉर यू. वेर आर यू गोइंग? सो इट्स 11. 11 तो कब से हो गई? ओके, सो 11 से आगे हो चुका है. अभी वी आर हैविंग सम फूड, बेसिकली ऑब्वियसली इंदौर से तो पुआ खाने जाते हैं बिना सेवर बिना नींबू के. ओके, देयर आर पीपल जिनको इशू है, जिनको इशू है, जस्ट वॉक आएंगे, ट्रेड ड्राइव चल रहा है, आएगा तो सीटीसी आएगा, तो लेट्स सी क्या होता है, विल अपडेट यू. विद अस वी हैव तनुज राय. ये
फ्रॉम बरेली. ये है बरेली की बरसी. एडिबल. भूख लगी है तो इंसान कैसी बातें करता है ना. भूखे हैं ये सुबह से. They're looking for their vehicles. Meanwhile, our vehicle is parked here. अभी नहीं दिखेगी लेकिन आपको विस्तार में बताऊंगा कौन सी गाड़ी ली है, क्या लिया है. इन चीज़ों के बारे में भी आपको अपडेट मिलेगा एनी टाइम सून. जैसे डिलीवरी का ब्लॉग तो हमने डाल दिया था, यू मस्ट हैव सीन दैट ऑलरेडी. बट और भी चीज़ें बताएंगे आपको धीरे धीरे करके हमारी गाड़ियों के बारे में. और ट्रेडर्स तभी से बेसिकली 11 बजे जो मैंने आपको पोजीशन अपडेट दी थी तभी से मार्केट ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है. उसी रेंज में साइडवेज होके बैठा हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे, बेसिकली वो वाला सिचुएशन इसमें चल रहा है. दिस इज़ हाउ मच वी हैव रनिंग एज ऑफ राइट नाउ. इफ़ आई कैन जस्ट ब्रिंग अप द ब्राइटनेस एंड एवरीथिंग. दिख रहा है क्या? हाँ जी, 64 के आसपास चल रहा है अभी. बेसिकली 20,000 का रिस्क था, 63-65 समथिंग चल रहा है. 1:3 अभी मिला है और राइट, लेकिन 1:3 में तो हम खुश होते नहीं हैं, है ना. तो लेट्स जस्ट होल्ड ऑन अवर ट्रेड. आर यू डन विथ योर ब्रेकफास्ट? यस, आई एम नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम लास्ट 2 days. ओके, यस यस. तो मैं जा रहा हूँ जूस पीने, मतलब हम जा रहे हैं. ऑलराइट एवरीबॉडी, जस्ट हैव अ लुक एट दैट. सुबह से मार्केट काफ़ी साइडवेज ही है. थोड़ी देर पहले लग रहा था कि यू नो, ये बैक टू बैक जब 3 कैंडल्स इसने बनाई थी यहाँ पे, लग रहा था कि हो सकता है ऊपर जा सकता है. बट ऑल द वे फ्रॉम देयर इटसेल्फ मार्केट साइडवेज ही दिखाई दे रहा है. इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द पोजीशंस, थोड़ी देर पहले एटलीस्ट 50 के आसपास चल रहा था, बट इट इज़ नाउ रनिंग एट 36 ओनली. बट इट इज़ टाइम फॉर अस टू हैव लंच नाउ. 1 बज गया है, 2 बजे से अंकु जी के सेशंस भी हैं, है ना. हाँ जी, तो वे थिंकिंग कि एटलीस्ट एक बार लंच करके आते हैं, फिर देखा जाएगा जो भी पोजीशन होगा. और मीनवाइल मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमारा इस ट्रेड में एग्जिट प्लान क्या है. आज मैं लंच नहीं लाया, मैंने सोचा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है, एक आधी रोटी खाऊंगा, तो इतना तो यही आता है. तो मैंने घर का बना पूछ लिया. अंकु जी लंच लाई है, ठीक है, और उनका एक डब्बा है खाने को. और खाने के लिए हैं हम कितने लोग? मैं भी लाया हूँ डिब्बा. हाँ, आप भी लाया डिब्बा. वो देखो, वो छोटा सा डिब्बा दिख रहा है, वो तनुज सर लाए हैं हमारा, ठीक है. उतना ही है खाना, और खाने वाले हैं 5 लोग. तो दैट इज़ हाउ लाइफ इज़ टुडे. ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 2 PM, 2 बजने में 37 मिनट बचे हैं. एज यू कैन ऑलरेडी सी, सुबह जो पोजीशन एक ऑलमोस्ट 50-60,000 पे चल रही थी, एट अ पॉइंट इन टाइम इट वाज आल्सो रनिंग एट 95,000 के आसपास. इट इज़ नाउ रनिंग एट 21,000 रुपीज़, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस कर चुका है और हमारा जो प्रीमियम है वो भी काफ़ी ज़्यादा डीके करना शुरू कर चुका है. That is very simple. Yeah.
यहाँ से 50-60 का लेटर भी 4-5 टाइम और हो जाए। और बेसिकली मेरा जो बीट रेट हमारा है सब हो जाता है, या तो टारगेट है या सी सी है या फिर स्टॉप लॉस है, बीच में कहीं पर एग्जिट में नहीं लेता हूँ बेस्ड ऑन एनी है ना कि यार रिवर्सल मिल रहा है, टाइम पास हो रहा है, मार्केट साइडवेज हो गया है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे भी नेवर एग्जिट आवर टेक, या तो टारगेट है या स्टॉप लॉस है। तो अभी तक भी दोनों पास से एक चीज़ हुई नहीं है, तो एटलीस्ट 3-3.5 बजे तक होल्ड करेंगे, देखते हैं, वेट करके फिर पता चलेगा इसमें से कब। ऑलराइट, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन फॉर द डे। हमारे सारे ट्रेड्स अब क्लोज हो चुके हैं एंड अभी बेसिकली अंकिता जी का सेशन चल रहा है, मेरा सेशन लिटरली कल से शुरू होगा, मतलब पिछले दो दिन से मेरे ही सेशंस थे लेकिन अब अभी दो दिन का मेरा ऑफ है, कल शाम से मेरे सेशंस फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, सो हाँ जी, ट्रेड करते रहो और काम भी करते रहो उसके साथ साथ बाकी सारा, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल, लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट डाउन अगर आपको कोई भी चीज़ें और ऐड करनी है इन सारे वीडियोज़ में तो। All right.